मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सत्य प्रकाश इंग्लिश मीडियम स्कूल। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आर यू ऑल? ऑल आर फाइन राइट? ओके, सो टुडे लेट मी स्टार्टेड विद आवर फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी। ओके चलो, इन अवर लास्ट लेक्चर इन हिंदी वी वाज कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 6 प्यारा सा एक पत्र चंदनपुर गांव की स्टोरी। डू यू रिमेंबर? Yes. Okay. So now today's we started with our chapter number 7, Kala Kova. Okay. I hope first of all you have to be completed your textbook and notebook of chapter number 6. Okay. Now today's that we started with our chapter number 7, Kala Kova. It is the poem written by the Harivansh Rai Bachchan. Can you listen the name? Harivansh Rai Bachchan? Okay. Amitabh Bachchan, the father of Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan is a big big of our star. Okay? Our star jo hai, big big ke naam se jo, big big sai. Okay. Amitabh Bachchan, uske jo pitaji hai, Harivansh Rai Bachchan, wo kai sari poem likhte the. Aur uski poem jo hai na, wo bahut इंस्पायरिंग पोएम, मोटिवेशनल पोएम जो है ना वो लिखते हैं। उसकी पोएम सुनने में बहुत मजा आता है। हम सुना हरिवंश राय बच्चन की पोएम, एक पोएम है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, छोटी चींटी झमदार नाले कर चढ़ती है, छोटी चींटी सुना क्यों सुना, छोटी चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती 100 बार हर बार फिसलती है, लेकिन सुना है कि नहीं सुना है? ओके, मैं स्टॉप करती हूँ, आप लोगों को अपने आप सुनना है और मुझे बताना है। ओके, फिर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये पोयम है। फिर कई सारे उसने पोयम की जो है ना वो मतलब की रचना की है, तो इसमें से एक पोयम हरिवंश राय बच्चन की यहाँ पे जो लिखी है काला कौवा। ओके, कौवा का कलर कैसा होता है? काला। ओके, कौवा का कलर होता है काला। एंड इसी कलर से जब उसे एक बार पता चलता है कि मेरा इतना कलर काला है, एक बार वो हंस को देख लेता है, हंस का सब कलर कैसा होता है? सफेद। तभी वो मन में सोचता है कि हंस इतना सफेद है, मैं इतना काला क्यों हूँ, मैं इतना काला क्यों? और इसी बात पे वो कई सारे एक्सपेरिमेंट करता है कि मैं भी हंस जैसा हो जाऊं, लेकिन नहीं, जैसे गॉड ने अपने बनाया था हम लोग वैसे रहेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले। ओके, हम गॉड ने हमारे जैसा भी बॉडी बनाया है, काला सफेद, उसमें से कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ये पोयम जो है हमें ये दिखा रही है कि गॉड ने हमें जो दिया है उसके अंदर आप लोग संतुष्ट रहोगे। ओके, ऐसा नहीं है कि गॉड ने मुझे ये नहीं दिया, भगवान ने मेरी ये नहीं सुनी, नो। ओके, कौवा ने गलती की, लेकिन नहीं, उसमें से कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता, क्योंकि गॉड की रचना, उसमें से कभी कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ओके, तो इस ऐसी बहुत अच्छी सी इंस्पायरिंग मोटिवेशनल जो है वो पोयम काला कौवा। फिर कौवा क्या करता है सफेद होने के लिए, उसकी स्टोरी जो है पोयम के अंदर दिखाई है। उसके पहले है आओ मिलकर गुनगुनाए। ओके, ये सारा हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं। सो ओपन योर टेक्स्ट बुक, इसका वीडियो भी देखना है आप लोगों को। सो वीडियो कंटिन्यू रखना, हम इसका वीडियो भी देखेंगे, काला कौवा की जो पोएम है हरिवंश राय बच्चन की वो सुनेंगे आज। ओके, सो लेट्स सी ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 4040। ओके, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेज नंबर 40, आओ मिलकर गुनगुनाएं। लेट्स सी क्या है इसके अंदर। टॉफी खाना हर घड़ी नहीं है अच्छा काम, लगेंगे कीड़े दांत में बात है बिल्कुल आम। टॉफी खाना हर घड़ी नहीं है अच्छा काम, हर बार टॉफी खाना, चॉकलेट खाना, इट इज नॉट अ गुड थिंग। लगेंगे कीड़े दांत में बात है बिल्कुल आम, सीधी साधी बात है, दांत में क्या लगेंगे? कीड़े। ओके, आप लोगों को पता है दांत हमारे कैसे हो जाते हैं, सड़ी जाए, बराबर। तो लगेंगे कीड़े दांत में बात है बिल्कुल आम। जूते जुराबे साफ रखो, दोनों अपनी चीज,
बच्चे अच्छे काम कर दिखाते हैं तमीज। क्या साफ रखने के लिए बोल रहा है यहाँ पे, जूते जुराबे साफ रखो। हमारे जूते और जुराबे मतलब कि हमारे चप्पल बूट जो है वो साफ रखने चाहिए, क्योंकि अच्छे बच्चे का ये एक काम है कि हमारे जूते को साफ करना, ये हमारी अच्छी तमीज है। इट इज अवर गुड पॉइंट। नेक्स्ट, खेलो कूदो शौक से, पढ़ने से मत भागो, सोने का भी लो मजा, सुबह सवेरे जागो। खेलो कूदो, आप लोगों को मना नहीं है, अच्छे से रमो, गेम्स प्ले करो, सो मैनी सब कुछ करो, कुछ भी मना नहीं है, टीवी देखो यस, लेकिन पढ़ने से मत भागो। अपने रीडिंग से, अपने लर्निंग से कभी भी हम लोगों को नहीं भागना है। सोने का भी मजा लो, सुबह सवेरे जागो। रात में सोने का भी मजा लेना है हम लोगों को, एंड सुबह सवेरे जो है हमें जाग के फिर से अपने काम पे लग जाना है। ओके, रात को सोने का भी मजा लो एंड सुबह सवेरे जागो। नेक्स्ट, दुश्मन के भी सामने झूठ कभी न बोलो, बात बड़ों ने है कही तोल मोल के बोलो। दुश्मन के भी है सामने झूठ कभी न बोलो, अपने सामने दुश्मन खड़ा है या कोई भी पर्सन है, झूठ कभी न बोलो। किसी के भी सामने हमें झूठ नहीं बोलना है। ऑलवेज वी वॉक ऑन दी ट्रूथ पाथ, सत्य की राह पर हम लोगों को चलना है। बात बड़ों ने है कही तोल मोल के बोलो, जो भी बात बड़ों ने सिखाई है वो तोल मोल के हमें दूसरों को सिखानी है कि झूठ नहीं बोलना है, सत्य का साथ देना है, धर्म पर चलना है, ऐसी सारी बातें हम लोगों को दूसरे के सिखानी है। ओके, झूठ हमेशा झूठ है, सच है सच्ची बात, दिन को तुम दिन ही कहो, रात को समझो रात। आप लोगों ने एक बार झूठ बोला तो झूठ मतलब झूठ ही है, फिर आपने किसी भी रीजन से बोला। सच है सच्ची बात, सच सच्ची बात है, जो भी है सबके सामने सच बता दो। पेरेंट्स के सामने कई सारे बच्चे झूठ बोलते हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। ओके, क्योंकि झूठ से, एक झूठ से हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो झूठ से हमेशा झूठी है, सच है सच्ची बात, दिन को तुम दिन ही कहो, रात को समझो रात। दिन को दिन ही बोलना है, रात को रात ही समझना है। कोई भी आके बोले कि दिन है, सुबह हो गई है, फिर भी कोई भी आके बोले कि नहीं नहीं रात है सोते रहो, तो नहीं। दिन को तुम दिन ही समझो, रात को तुम समझो रात। जब भी कोई काम करो पूरा करके छोड़ो, पत्थर हर कठिनाई का धीरे धीरे तोड़ो। जब भी कोई काम करो, ओके, कोई भी काम आप लोग करते हो तो पूरा करके छोड़ो, उसे पूरा ही करना है। आप लोग रीडिंग के लिए बैठते हो तो कोई भी क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने स्टार्ट किया रीड करना, तो वो कंप्लीट करने उसके बाद ही उसे छोड़ना है, नहीं कि आधा अधूरा छोड़ के आप लोग निकल पड़े खेलने के लिए, नो। पत्थर हर कठिनाई का धीरे धीरे तोड़ो, कठिनाई का पत्थर है आपके रास्ते में, बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या उससे भागना है? नहीं, उसे धीरे धीरे उस पत्थर को हमें तोड़ना है एंड हमें आगे बढ़ना है, हमें हमारा रास्ता निकालना है। ओके, तो ये अच्छी सी पोयम जो है धीरे हम लोगों को भी सीखना है कि हमें जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, कौन कौन से हमें ख्याल जो अपने माइंड के अंदर रखने हैं, हमें लाइफ के अंदर कैसी थिंग्स, गुड थिंग्स जो है हमें डेवलप करनी। ओके, फिर तो ये सिर्फ आप लोगों को सीखने समझने की बात थी। ओके, अभी हमारी जो मेन पोयम है वो पेज नंबर 41 के ऊपर है, काला कौवा। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन प्लीज डेट 24th August 2021, काला कौवा। काला कौवा स्टोरी रिटन बाय हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जो है वो एक बहुत अच्छे लेखक थे, राइटर थे, पोइटर थे। पोयम जो है वो अलग अलग मोटिवेशनल पोयम लिखते थे, इसके बारे में मैंने बताया। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, मैंने पूरी नहीं बताई लेकिन पूरी हम वीडियो के अंदर देखेंगे कि उसकी वो मोटिवेशनल स्टोरी कैसी है, कि हमें ऑलवेज कोशिश करते रहना चाहिए, कभी भी हमारी ज़िंदगी से हमें हार नहीं माननी चाहिए। ओके, हमें हमारी ज़िंदगी से कभी भी भागना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में यदि कोशिश करते रहेंगे ना हम लोग, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। सो ट्राई ट्राई बट नॉट क्राई एंड ऑलवेज नेवर गिवन अप, बी पॉजिटिव, डू लर्निंग एनी टाइम।
સ્વામી વિવેકાનંદને એક વાત કહીએ, ઉઠો જાગો અને ધ્યેય પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાં સુધી મંડિયા રહો, ઉઠી જાઓ, જાગી જાઓ, અને આપ લોકો જબ તક અપના લક્ષ્ય ન મિલે તબ તક વર્ક કરતે રહો. ઓકે, તો એસી ઇન્સ્પાયરિંગ સ્ટોરી હરિવંશ રાય બચ્ચન કી. લેટ સી અમિતાભ બચ્ચન કે અમિતાભ બચ્ચન ને ગાઈ હૈ તો હમ લોગ આજ સુનેંગે. ઓકે, લહેરો સે ડર કર નૌકા પાર નહીં હોતી, કોશિશ કરને વાલો કી કભી હાર નહીં હોતી. નન્હી ચીટી જબ દાના લેકર ચલતી હૈ, ચઢતી દીવારો પર 100 બાર ફિસલતી હૈ, મન કા વિશ્વાસ રગો મે સાહસ ભરતા હૈ, ચઢ કર ગિરના ગિર કર ચઢના ના અખરતા હૈ, આખિર ઉસકી મહેનત બેકાર નહીં હોતી, કોશિશ કરને વાલો કી કભી હાર નહીં હોતી. ડુબકિયા સિંધુ મે ગોતાખોર લગાતા હૈ, જા જા કર ખાલી હાથ લોટ કર આતા હૈ, મિલતે નહીં સહજ હી મોતી ગહરે પાની મે, મિલતે નહીં સહજ હી મોતી ગહરે પાની મે, મુઠ્ઠી ઉસકી ખાલી હર બાર નહીં હોતી, કોશિશ કરને વાલો કી કભી હાર નહીં હોતી, કોશિશ કરને વાલો કી કભી હાર નહીં. असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं. ओके, मजा आया सब लोगों को? क्या बोला था उस पोयम के अंदर? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करते रहो, जिंदगी में कभी हम नहीं हारेंगे. हरिवंश राय बच्चन ने हमें अच्छे से, बहुत अच्छे से सिखाया है कि हमें जिंदगी में हारना नहीं है. छोटी चींटी दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है, जितनी बार चढ़ती है हर बार फिसलती है, लेकिन वो कभी भी थकती नहीं है. फिर असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. असफलता, आप लोग सफल नहीं हुए कोई बात नहीं, डरो मत, नासीपास मत हो, भागो मत उससे, उस चुनौती है उसे स्वीकार करो. ओके, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. उसके साथ साथ गोताखोर, सिंधु में गोताखोर हर बार डुबकी लगाते, सिंधु नदी बहुत बड़ी है, उसके अंदर गोताखोर मतलब कि मोती गोतने के लिए, मोती फाइंड आउट करने के लिए वो हर बार डुबकी लगाते हैं, लेकिन हर बार उसे मोती नहीं मिलता. तो क्या वो छोड़ दे समुद्र में जाना? नहीं, क्योंकि मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. तो ऐसी हरिवंश राय बच्चन की पोयम काला कौवा पहले हम वीडियो के द्वारा जो है वो सीखेंगे, उसके बाद हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर हम आगे बढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स सी. अध्याय 5, काला कौवा उजला हंस एक दिन उड़ते उड़ते आया, हंस देखकर काला कौवा मन ही मन शर्माया, लगा सोचने उजला उजला मैं कैसे हो पाऊं, उजला हो सकता हूँ साबुन से मैं अगर नहाऊं, यही सोचता मेरे घर पर आया काला कागा, और गुसल खाने से मेरा साबुन लेकर भागा, फिर जाकर गड़ही पर उसने साबुन खूब लगाया, खूब नहाया मगर न अपना कालापन धो पाया, मन पछताया पास खूब नहाया मगर न अपना कालापन धो पाया, मिटाना उसका कालापन तो मन ही मन पछताया, पास हंस के कभी न फिर वह काला कौवा आया. ओके, तो देखिए आप लोगों ने पोयम मजा आई ना? क्या है, एक कौवा है, कौवा ने अपना काला कलर हंस को देखकर उसे भी हुआ कि मैं भी ऐसा सफेद हो जाऊँ, फिर गुसल खाने से साबुन ले जाता है, गुसल खाना मतलब कि हमारा बाथरूम. ओके, वहां से साबुन ले जाता है, घिस घिस करना आता है, फिर भी उसका कलर सफेद नहीं होता है. तो लेट्स सी, उजला उजला हंस एक दिन उड़ते उड़ते आया, हंस देखकर काला कौवा मन ही मन शर्माया.
उजला उजला हंस एक दिन उठते उठते आ गया एंड हंस को देखकर काला कौवा अपने मन के अंदर शर्माया, लगा सोचने उजला उजला मैं कैसा हो पाऊँ, उजला हो सकता हूँ साबुन से मैं अगर ना हूँ। वो भी सोचने लगा कि मैं कैसे उजला हो जाऊँ, उजला मतलब कि इसके जैसा सफ़ेद कैसे हो जाऊँ, एंड उजला हो सकता हूँ साबुन से मैं अगर ना हूँ, यदि मैं साबुन से ना लूँगा ना तो मैं उजला हो जाऊँगा। फिर क्या कहता है, यही सोचता मेरे घर पर आया काला कागा और गुसल खाने से मेरा साबुन लेकर भागा। ये बात तो सोच के वो मेरे सॉरी ये बात सोचकर काला कौवा जो है वो आता है और गुसल खाने से मेरा, गुसल खाने मतलब कि बाथरूम, बाथरूम से मेरा साबुन लेकर भागा, मेरे साबुन लेकर जो है वो भाग जाता है। ओके, फिर साबुन, फिर जाकर नदी पर साबुन खूब लगाया, खूब नहाया मगर न अपना कालापन धो पाया। फिर है ना नदी पर जाके साबुन से इतना घिस घिस के नहाया, फिर जाकर नदी पर साबुन खूब लगाया, खूब नहाया मगर न अपना कालापन धो पाया, लेकिन कालापन वो अपना न धो पाया। ओके, आप लोगों ने भी एक बार कोई भी गलत काम कर लिया, फिर आप कितनी भी माफ़ी एक दूसरे से मांगोगे, लेकिन आपकी भूल मतलब भूल और इसी के बात पर आपने गॉड ने जैसा बनाया है ऐसा रहो, सत्य की राह पर चलो, ये बात आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी है। फिर मिटा ना उसका कालापन तो मन ही मन पछताया, पास हंस के कभी न फिर वो काला कौवा आया। मिटा ना सकना उसका कालापन, उसका कालापन फिर भी न मिटा साबुन से, फिर मन ही मन पछताया, अंदर से वो पछताने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। पास हंस के कभी न फिर वो काला कौवा आया, हंस के पास फिर वो कभी न काला कौवा जो है वो जाता है। सो ये हरिवंश राय बच्चन की एक अच्छी सी स्टोरी, छोटी सी पोयम आप लोगों ने यहाँ पे अंडरस्टैंड की। नाउ लेट्स सी शब्दार्थ, पहले जो है वो श्रुत लेखन के वर्ड्स, उजला कौवा मेरे साथ रीड करना है, हंस खूब शर्माया, साबुन नहावू, उड़ना गुसल खाने, घर कालापन पछताया। नए शब्द उजाला मीन्स सफेद, कागा इट मीन्स कौवा, धोना मतलब साफ करना, नहाना मतलब कि स्नान करना, गुसल खाना मतलब स्नान घर, शर्माया मतलब कि लज्जित हुआ, शर्माना मतलब कि लज्जित होना। कविता की बात नीचे जो प्रश्न क्वेश्चन आंसर्स है वो हम नोटबुक के अंदर क्लियर करेंगे। फिर है सही शब्द चुनकर निशान लगाइए, कौवा कैसा था, नीला पीला हरा या काला, काला। हंस का रंग कैसा होता है, काला गुलाबी लाल या सफेद, सफेद। फिर यहाँ पे कविता की पंक्ति लिखिए, आप लोगों को कविता की पंक्ति, कविता पोयम देखकर कंप्लीट करनी है। फिर ये भाषा की बात, तो यहाँ पे क्या है भाषा की बात के अंदर, देखिए पढ़िए और समझिए। चूहे उछल कूद कर रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं, मतलब कि एक्शन वर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऊपर दिए गए वाक्य में उछल कूद करना, दौड़ना, ये सभी क्या है, काम है। ये काम किसी न किसी के द्वारा किया जा रहा है, जिन शब्दों से हमें किसी काम करने या होने का पता चलते हैं उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं, वर्ब, जिसे हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, इसे हिंदी में क्रिया बोल रहे हैं। चूहे जो है वो उछल कूद कर रहे हैं, बच्चे जो है वो दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, चलो नीचे बताओ कौन सी क्रिया हो रही है, पढ़ना, वेरी गुड। यहाँ पे खेलना, गुड। चलो यहाँ पे हंसना, ओके, नाउ टर्न योर पेज। फिर यहाँ पे सोना, उड़ना, तैरना, ओके। फिर ये पढ़िए समझिए और एक शब्द स्वयं लिखिए, पुलिंग एंड स्त्रीलिंग दिया है, नर हंस तो मादा हंस, नर कौवा तो मादा कौवा। एक वचन बहुवचन है, कौवा तो कौवे, गुसल खाना तो गुसल खाने, ओके। ये सिर्फ पढ़ना और समझना है, आप लोगों को अपने आप घर बैठे बैठे पढ़ना है। एंड कविता से संज्ञा चुनकर लिखना, संज्ञा फाइंड आउट करनी है, वस्तु तो वस्तु के कौन कौन से आए थे, साबुन और टब, प्राणी तो कौवा और हंस,
स्थान घर और गुसरखाना एंड भाव तो सरमाया और कालापन। ओके ये जो है हमें कविता में से ही ढूंढकर लिखने दे। फिर है सामने की पेज पर नंबर 45 के ऊपर सोच समझ की बात एंड कुछ करने की बात। सोच समझ की बात, कौवा और हंस में किसी एक पक्षी के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और कक्षा में सुनाइए। आप लोगों को किसी एक के बारे में अच्छे से तैयार करना है, रेडी करना है और बोलना है। ओके फिर है कुछ करने की बात, सब चिड़ियों को एक जैसा बनाइए और रंग भरिए। सारी चिड़िया आप लोगों को एक जैसी बना देनी है कॉपी टू कॉपी और उसके अंदर कलर करना। ये जो है आपका HW रहेगा, डन। बाकी जो है वो नोटबुक के अंदर कैसे है मैं दिखा रही हूँ। इसी वीडियो के साथ आप लोगों को PDF भी मिलेगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी चैप्टर नंबर 7 काला कौवा। नए शब्द जो हम लोगों ने टेक्स्ट बुक के अंदर किए वो ही यहाँ पे लिखने हैं। फिर एक्सरसाइज नंबर 1 नीचे के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक क, काला कौवा हंस को देखकर क्यों शर्माया। काला कौवा हंस को देखकर, काला कौवा हंस को देखकर इसलिए शर्माया क्योंकि हंस का रंग उजला था और उसका काला। फिर उसके बाद उजला होने के लिए कौवे ने क्या किया, तो उजला होने के लिए कौवा खूब साबुन लगाकर नहाया। कौवा खूब साबुन लगाकर नहाया। उसके बाद कौवा मन ही मन में क्यों पछताया। कौवा मन ही मन इसलिए पछताया क्योंकि साबुन लगाकर नहाने पर भी उसका कालापन नहीं गया। साबुन लगाकर नहाने पर भी उसका कालापन नहीं गया। उसके बाद लिखित के क्वेश्चन आंसर्स, काला कौवा क्या सोचता था, क्या सोचता हुआ आया, इसके उत्तर की पंक्तियाँ कविता में से ढूंढकर लिखिए। तो लगा सोचने, सोचता हुआ ऐसा वर्ड किस पंक्ति के अंदर आता है वो यहाँ पे लिखना है। लगा सोचने उजला उजला मैं कैसा हो पाऊँ, उजला हो सकता हूँ साबुन से मैं अगर नहाऊँ। एंड उसके बाद साबुन लेकर कौवे ने क्या किया, साबुन लेकर नदी पर गया और साबुन मल मल कर खूब नहाया। मल मल कर मतलब कि साबुन घिस घिस कर। तो आपको लोगों को इसका PDF मिल जाएगा। ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। ओके आप लोगों को अच्छी तरीके से गुड इन राइटिंग में अपनी टेक्स्ट बुक नोटबुक इसी वीडियो के साथ कंप्लीट करनी है। ओके तो यहाँ पे हिंदी में चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम लोग आज इतना ही रखते हैं। गुड बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।